ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, दिस इज योर होस्ट दिशु खन्ना एंड वेलकम टू दिशु ब्लॉग। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा रेगुलर वीडियोस जो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और 328 days 328 वीडियोस का कोई तो वीडियो है या अब ये मुझे भी नहीं पता कौन सा वीडियो है, बट कोई तो वीडियो है। तो आज आपने डिस्क्रिप्शन में भी देख लिया, आज आपने टाइटल भी देख लिया है कि कौन सी बाइक मॉडिफाई हुई है और कौन सी तगड़ी बाइक में मॉडिफाई हुई है। तो आज मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ, आज पहले तो मैं आपको बताऊँ, मैं आपको ले जा रहा हूँ राजस्थान। हाँ जी दोस्तों, फिर इंडिया की सैर शुरू हो चुकी है हमारी। राजस्थान में कहाँ, राजस्थान में कहीं तो ले जा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है वो देखो, मैं वीडियो में नहीं बता रहा, डिस्क्रिप्शन भी तो होता है इस चीज के लिए। तो मॉन्स्टर कस्टम्स ने एक बाइक मॉडिफाई करी है जो है करिश्मा आर 2012 मॉडल को एक बहुत ही तगड़ी बाइक बना दी है। और भाई उसके एग्जॉस्ट की साउंड तो और ही कतल डिफरेंट है। तो उस बाइक को मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो बिना कुछ देरी करे चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जाने से पहले वीडियो को एक बढ़िया सा लाइक कर दो, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि आगे और भी ऐसे ऐसे बढ़िया वीडियो आने वाले हैं आप लोगों के लिए। यार आप लोगों के लिए इतना अच्छा अच्छा कंटेंट है तो आप भी इतना कर ही सकते हो। तो बिना कुछ देरी करे चलिए दोस्तों वीडियो शुरू। तो दोस्तों ये करिश्मा आर जो कस्टमाइज हुई है मॉन्स्टर कस्टम से, इसको कस्टमाइज करा गया है और काफ़ी सही लग रही है बाइक अब बनने के बाद। और आपको अगर टैंक की बात करें तो हार्ले डेविडसन आयरन 883 का टैंक यूज़ हुआ है, जो आप ये ऊपर टैंक देख सकते हैं हार्ले डेविडसन आयरन 883 का है। उसके बाद बात करी जाए इसके टायर्स की, तो इसके टायर्स जो यूज़ हुए हैं ओल्ड पल्सर जो यूज़ हुए हैं इसके टायर्स। और साथ ही साथ अगर बात करी जाए डिस्क ब्रेक्स की, ब्रेक्स जो है वो भी ओल्ड पर्सर से ही ली गई है इस बाइक के अंदर। एयर फिल्टर की बात करें, K&N का एयर फिल्टर लगा हुआ है। और अगर आप इस बाइक को देखो तो यार काफी सही लग रही है बाइक। अब बात करी जाए हेडलाइट की, हेडलाइट और इंडिकेटर अगर आप देखो तो इसके एवेंजर्स से इसके आगे की हेडलाइट और इंडिकेटर्स आए हुए हैं। और बाइक काफी सही लग रही है, काफी अच्छी लग रही है। और कॉस्ट इस बाइक को अगर मॉडिफाई करने का जो है वो आया है 45,000 रुपीज इंक्लूडिंग योर बाइक। इसके बाद मैं आपको एक हल्का सा शॉट ज़रूर दिखाने जाऊंगा, सिनेमैटिक्स टाइप्स कह लो या कुछ भी कह लो, इस बाइक को चलते हुए वो आपको बहुत सही लगे। और वैसे मैं इसका एक लुक वगैरह आपको दिखा ही रहा हूँ, ये बाइक कैसी है कैसी नहीं है। और यार दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल थिंग, ये मुझे अच्छी लगी। करिश्मा आर को इस तरीके से मॉडिफाई करना इस मुझे अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा नहीं लगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे। और आप अब इन्जॉय करो एक सिनेमैटिक शॉट। तो खर्चा आया आपकी पुरानी बाइक के साथ मिलाकर 45,000 रुपये। तो इतना खर्चा हाँ मॉडिफाई बाइक करने में आ ही जाता है। तो अब जाते जाते मैं पता क्या बोलने वाला हूँ, अगर आपको ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन का काम कराना है तो भाई का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऊपर आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिख रहा होगा, बात वगैरह कर लो, अपने हिसाब से अपनी बाइक मॉडिफाई करा लो, मॉडिफिकेशन एकदम नेक्स्ट लेवल मिलेगी आपको। और अब जाते जाते पता मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या बोलूँगा बताओ। वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं अगले किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंजॉय, बी सेफ, और ये कोरोना वायरस से बच के रहो, यही बोलने वाला हूँ मैं। और अच्छा है, बढ़िया है, बचो, बी सेफ।
पेरेंट्स को भी बचाओ, अपने खुद भी बचो। मिलते हैं अगले किसी बड़े वीडियो में। टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहिए।